हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रानित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बाउंड कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आप ही के सजेशंस पर, और इस गाने का नाम है जो आपके सजेशंस पे थे, वो सजेशन का नाम है यू थिंक। अंबर सरिया फिल्म से है और ये दिलजीत दोसांझ का गाना है, तो आपको पता है मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और इसमें नवनीत भी है, मोनिका भी है। सो या, लेट्स सी व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस सॉन्ग, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। ये अनाउंसमेंट ये है कि अब से मैं हर संडे 3 पंजाबी सॉन्ग्स पर रिएक्ट करने वाला हूँ। सो मेरे सारे पंजाबी व्यूअर्स, आप निराश मत होइएगा अगर सारे वीक मैं कोई भी पंजाबी सॉन्ग्स पर रिएक्ट ना करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया हूँ आप लोगों के बारे में, मुझे याद है आप लोगों के रिक्वेस्ट। ओके, ये बस ये बात है कि मैं कॉलेज में रहता हूँ, सारे मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त रहता हूँ, तो कर नहीं पाता हूँ सारे रिएक्शंस। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब से हर संडे एटलीस्ट तीन पंजाबी सॉन्ग्स पर रिएक्ट करूं और आप लोगों को खुश कर सकूं, क्योंकि आप लोगों मेरे बहुत ही लवली सब्सक्राइबर्स हैं। आप इतने अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहते हैं और मुझे बहुत मज़ा भी आता है आपके रिक्वेस्ट पर रिएक्ट करने में, तो मैं ज़रूर 3 वीडियोज़ पर रिएक्ट करूँगा। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम नाउ ऑन ईच एंड एवरी संडे, एक्सपेक्ट 3 पंजाबी सॉन्ग्स एटलीस्ट और 3 पंजाबी रिएक्शंस एटलीस्ट। ओके, दिस वॉज अनाउंसमेंट एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द सॉन्ग इन 3, 2, 1, and go. Oh, a red turban with a red girl, red hot girl. Oh, Monica, right? Sophie, you chuck the I love it when Diljit dances, you know. Hey, this reminds me of that song, Step from, what was the song name? I forgot the name of the song. When he bonged the charba in the club, you know, that song. Both the actresses are beautiful. I got the signature step. आपका मूड ख़राब हो ना, बस दिलजीत के गाने को सुन लीजिए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, जो एनर्जी आपने सोची भी नहीं थी। इस टाइप का उनका इन्फेक्शियस आवाज़ है उनकी, और इतने चार्मिंग है वो यार, और इतने अच्छे गाने होते हैं उनके, उनकी आवाज़ तो मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सॉरी गाइज, उनसे ज़्यादा उनका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ही मैं, लेकिन जब भी उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है ना, मतलब आपको पता होता है कि ये गाना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है और आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जब भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ, मैं जस्ट खो जाता हूँ यार, दूसरे दुनिया में पहुँच जाता हूँ। तो ये गाना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही ऑसम था और एक परफेक्ट पंजाबी डांस नंबर था।
तो ये सारे यार गाने अगर क्लब्स में चल जाए ना तो आपको तो पता है आप लोग मतलब फोड़ देंगे यार, डांस फ्लोर तो तोड़ देंगे एकदम। जो भी हो बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया मुझे, और थैंक यू गाइस मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए इस गाने को, गाने पर रिएक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। मेरी हिंदी पता नहीं क्या हो गई, मेरी हिंदी को, सेकंड लैंग्वेज मेरी हिंदी है यार, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में आने के बाद इतना बंगाली में बात करते करते ना मेरी हिंदी वैसे ही थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, और मेरे हिंदी वाले दोस्त भी है सारे नॉन बंगाली, तो उनसे बात करके करते 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 आशा करता हूँ मेरी हिंदी पे ग्रिप वापस आ जाएगी और अच्छे से हिंदी में बोल दूँगा। और हाँ, पंजाबी भी मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी पंजाबी में क्या बोलूँ, इन्ना सोच लो कि मैनू बहुत पसंद आया ये गाना, और आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत पसंद आए सी। सॉरी यार, थोड़ी थोड़ी चंगी हिंदी आती है मेरे को, लेकिन चंगी पंजाबी आती है, आंदी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया मेरा रिएक्शन, और अगर आपको पसंद आया तो सी विच आप विच नहीं आप विच अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया सी तो प्लीज़ एक लाइक करिया सी, सब्सक्राइब करिया सी, और प्लीज़ कमेंट करिया सी। सबसे इम्पोर्टेंट यार वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स नहीं मिलेंगे तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपके कमेंट्स के बिना मुझे पता कैसे चलेगा मेरा रिएक्शन कैसा है, राइट? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और या 1000 सब्सक्राइबर मार्क के बहुत ही करीब है हम लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब बटन पे, अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक। तो आप लोगों को मैं वापस देखूंगा इसी जगह इसी वक्त हर संडे, तब तक के लिए सत श्री अकाल।